भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाने के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में शुरू हुई नई उथल पुथल के बीच भारत ने सभी तरह की द्विपक्षीय बातचीत पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सरकार ने दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर 17 अप्रैल को प्रस्तावित बातचीत न करने का फैसला किया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को अवगत कराया है कि वे रविवार को आने वाले पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने भी जाधव के खिलाफ शुक्रवार को डोजियर पेश किया। इसमें कुलभूषण जाधव को वन मैन डिमोलिशन स्क्वाड बताया गया है। चार्जशीट में कुलभूषण पर लगाए गए आरोपों में उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के कैरेक्टर रेवो की तरह पेश किया गया है।